Okay. Okay. नमस्कार। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि भारत के भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त माननीय श्री सुनील जी अरोड़ा, मंच पर और इस सभागार में इस ध्येय यात्रा के सहयात्री सभी बंधु भगिनी और इस कार्यक्रम में इस ध्येय यात्रा के मुख्य धारा में नहीं रहते हुए भी साथ देने वाले कई लोग आए होंगे, उन सभी महानुभाव सज्जन बंधु भगिनी आज के इस कार्यक्रम में मंच पर बैठकर भाषण सुन रहा हूं और अभी आपके सम्मुख खड़े होकर कुछ बोलने के लिए प्रयत्न कर रहा हूं। सच में कहना है तो इस कार्यक्रम के स्वरूप ऐसे भाषण देने वाले और आप लोग सुनने वाले ऐसे होना चाहिए क्या? ऐसे मेरे मन में एक बार नहीं सैकड़ों बार यह विचार आया। मैं आप लोगों के सामने क्या कहूं, चुनाव आयुक्त के जैसे अनुभव तो मेरा नहीं है। लेकिन एक तो जरूर कहूंगा, जिस निर्वाचन के दायित्व को निभाते हुए देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आप वहां बैठकर किए, वह कार्य जमीन पर बैठकर हर बार हर दम हर समय करने का कार्य इन लोगों ने किया है। तो लोकतंत्र के एक परिचय निर्वाचन है, एकमात्र नहीं है। लोकतंत्र को मजबूत करने के कार्य जीवन के राष्ट्र जीवन के विभिन्न आयामों में होता है, उसको भी एक ध्येय के नाते, एक महान राष्ट्रीय कर्तव्य के नाते जीवन में करने का प्रण लेकर संकल्प लेकर उसके लिए अपने सब कुछ न्योछावर करने के लिए भी तैयार हुए ऐसे लोगों के यात्रा की कहानी इन दो खंडों में छपी है। इतिहास क्यों लिखना चाहिए? वैसे देखा तो इतिहास कहा नहीं है इस पुस्तक में, बार बार इतिहास पुस्तक कहा, सुनील जी ने कहा इस इतिहास पुस्तक के रचना के इतिहास में दिल्ली में और एक खंड छापना पड़ेगा बाद में, क्योंकि 1990 के दशक में प्रारंभ में यह विचार जब आया लगभग 91-92 में के दिनों में एक छोटी टोली बनी थी, उसका थोड़ा सा इतिहास सुनील जी ने कहा है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा अभी। लेकिन सोचा था कि 98 में स्वर्ण जयंती वर्ष में इस पुस्तक को लाएंगे इसे, लेकिन वो तो किसी कारण से नहीं हो पाया, हम सब सुन लिए उसका। लेकिन एक छात्र संगठन को अपने इतिहास स्वयं को लिखने लिखकर प्रकाशित करना किस लिए? अपनी प्रशंसा के लिए। हमने देश की सेवा की है, देखिए है इसे टाम टाम करने के लिए। यदि ऐसे हम करेंगे जो किए थे जिस मन से किए थे उससे हम हट गए, इस कारण से ये लिखने का, इसको प्रकाशित करने का निर्णय नहीं किया। जब इतिहास पुस्तक के
लिखेंगे, ऐसे किसी ने कहा तो विद्यार्थी परिषद ने कहा, कई बार कहते हैं इतिहास लिखेंगे नहीं हम, इतिहास बनाने वाले हैं हम, इतिहास बनाएंगे और कोई लिखेंगे और कोई पढ़ेंगे। इसी प्रकार के मन के संकल्प से, इसी प्रकार के मन के उत्साह से दशकों तक कार्य करने के एक बहुत बड़ी तादाद के, बहुत बड़ी संख्या के इस देश के अंदर नौजवानों के पीढ़ियों को तैयार करने का ऐतिहासिक कार्य विद्यार्थी परिषद ने किया। फिर भी मन में प्रश्न आता है क्यों लिखना चाहिए। विचार आया, तीन कारण मेरे मन में आए। एक, आगामी पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा मिले, कार्य के लिए एक आधार मिले, एक रेफरेंस पॉइंट मिले। हमारे पूर्वजों ने, अपने इस संगठन के पिछली पीढ़ियों ने किस रास्ते पर कैसे चले, इसके लिए कुछ तो मिले। क्योंकि विद्यार्थी परिषद इज अ परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फ्लोटिंग पॉपुलेशन, प्रभावमान छात्र समुदाय की स्थायी संगठन है। इसलिए हर पीढ़ी को पहले क्या किया ये कहने के जरूरत पड़ती है, सोचने के समझने की आवश्यकता होती है। दूसरा कारण था, इस सारे उद्यम के पीछे एक अधिष्ठान है, इस सारे ध्येय यात्रा के पीछे ईंधन के नाते काम जो किया वह विद्यार्थी परिषद ने विकसित किया हुआ छात्र संगठन का एक अनोखा दर्शन है, ए डिफरेंट वंडरफुल फिलॉसफी ऑफ ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए उसको समझने के लिए और उसके अभिव्यक्ति कैसे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों, प्रकल्पों, गतिविधियों द्वारा प्रकट हुए, कैसे अभिव्यक्ति हुई है, वो रचनात्मक दृष्टि से हुआ होगा, वो संघर्ष के रूप में हुआ होगा, वह छात्रों के प्रतिनिधित्व करने के मार्ग में हुआ होगा, लेकिन उन सारे कार्यक्रम गतिविधियों के पीछे जो उद्देश्य है, विचार है, जो अधिष्ठान है वह एक है। वह अधिष्ठान राष्ट्र को सर्वोपरि रखने का, अपने जीवन के हर क्षण में वह ईंधन है, वह अधिष्ठान है इस प्राचीन राष्ट्र को आधुनिक काल में एक उस प्रकार के एकात्म भाव से भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन खुशहाली के हो, सुख हो, आनंद से जिए, सम्मान से जिए, सुरक्षा से जिए, इस कारण से जो उद्यम चला उसके पीछे के एक अधिष्ठान है, एक वैचारिक आधार है, एक सैद्धांतिक भूमिका है, वह समझना चाहिए। तीसरा भी एक कारण है, कहने में संकोच नहीं करूंगा लेकिन मन को थोड़ा दर्द होता है, भारत के छात्र आंदोलन के छात्र संगठनों के इतिहास के बारे में समय समय पर लिखे हुए लोग, छोटे बड़े आलेख या कुछ पुस्तकें, उन्होंने विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन के कार्यकलापों के बारे में
न्याय नहीं दिया है। जिम्मेवारी के साथ मैं इस मंच से कहूंगा, इन लास्ट वन मंथ आई हैव गॉन थ्रू मोर देन 100 आर्टिकल्स क्यों ऐसे हुआ है। क्योंकि इतिहास को अपने दृष्टि से देखकर, अपने विचारधारा के उस चश्मे से उसको देखते हुए उसको लिखने का जो कार्य किया है, वहां विद्यार्थी परिषद के उसकी भूमिका के, उसके योगदान के सही चित्रण नहीं आया है। लेकिन जब प्रारंभ किया उस समय तो मालूम नहीं था, 90 के दशक में प्रारंभ में जब विचार किया, लेकिन 90 से लेकर अभी 2022 तक के इन वर्षों में जो बाहर आए हैं उसको मैं देखता हूं, यह ध्यान में आता है। विद्यार्थी परिषद ने जब इसको विचार किया, सुनील जी ने बताया, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए इतिहास वो सामग्री इकट्ठी होती गई, इसलिए समय भी ज्यादा लगा। एक ही फिल्म के 3 डायरेक्टर्स हो गए, ऐसे फिल्म भी बने हैं मुझे मालूम है, तो इसलिए 3 संपादक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, इसलिए हम सबके अंदर जैसे गुण दोष रहते हैं वो इन संपादकों में भी हैं, हम सब में हैं। मुझे भी लिखने के लिए कहते हैं तो मैं 2-3 महीने लेता हूं 2 पेज लिखने के लिए, तो इसलिए सामग्री इकट्ठा करना ये सब बड़ा काम हो गया। लेकिन विद्यार्थी परिषद तो चुप बैठती नहीं है, प्रतिदिन इतिहास बनाती रहती है, तो इसलिए प्रतिदिन जब इतिहास बनाते हैं तो ये समाप्त हो गया ऐसे कह ही नहीं सकते। बेचारे संपादक को लिख के लाएंगे, उसका टाइप होकर होने तक अरे और 2 कार्यक्रम हो गया बड़ा, तो फिर उसको लिखो, कब होगा पूरा। तो इसलिए एक बड़ी समस्या है, कोई भी इतिहास पुस्तक समग्र नहीं हो सकता, संपूर्ण नहीं हो सकता, 100% नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें इतने 7 दशकों से अधिक कार्यकाल के एक छात्र संगठन देशव्यापी, कितने हजारों हजारों लोग काम किए हैं, कितने हजारों हजारों कार्यक्रम आयोजित हुए हैं, क्या इन सबके सूची बनाकर जोड़ देंगे तो इतिहास पुस्तक कैसे बनेगा, संभव ही नहीं है, व्यावहारिक भी नहीं है। तो इसलिए आप देखेंगे तो लगेगा अरे ये तो आया ही नहीं, हो सकता है किसी को लगेगा इसमें नाम ही नहीं है इनका, अभी महामंत्री के सूची में मेरा नाम ही गायब कर दिया, ठीक ही किया था क्योंकि मैं गलती से महामंत्री बना था। महेश जी महामंत्री थे, यहां बैठे हैं, उनके बाद महामंत्री बनना था, तो मैं बीच में एक साल के लिए मैं भी हो गया, बाद में सुशील जी बने। लेकिन संगठन में हम सब जानते हैं, विद्यार्थी परिषद में महामंत्री कौन बना कौन बना हमको कभी लगा ही नहीं है। जब मैं महामंत्री के नाते नियुक्त हो गया और एक साल के बाद सुशील जी महामंत्री के नाते निर्वाचित हुए, तो उस दिन
पिछले दिन रात को मदन दास जी ने, अभी दत्ता महामंत्री नहीं रहेगा कल से, ठीक है, तो उन्होंने एक उदाहरण दिया था। ऐसे उन्होंने एक ऐसे तौलिया रखे मदन दास जी ने, ये अभी तक ये महामंत्री करके रखा था, अभी इसको हटा दिया है। हमने विद्यार्थी परिषद में दायित्व को ऐसे ही समझा, ठीक है भाई थोड़ा समय है, नहीं रहेगा नहीं रहेगा, दूसरे के पास जाएगा, उसमें क्या है। इस प्रकार के संगठन के सामूहिकता को बनाए रखे, हमको यह सिखाया, जो मंच पर बैठे हैं ना अध्यक्ष महामंत्री, वो अकेला नहीं है, ये जगन भाई, निधि, ये दो नाम है ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान के हर कार्यकर्ता तो सोचेगा वो जगन भाई में, वो निधि में, मैं ही हूं, मैं ही बैठा हूं। और मंच पर बैठने वालों को भी ये सिखाया है, तुम मंच पर बैठे हो लेकिन वो वहां बैठे हैं इसलिए तुम मंच पर बैठे हो, भैया वो नहीं बैठते तो तुम कहां बैठे हो। यदि सभागार खाली है, मंच पर बैठकर करने वाले क्या है, वो वहां बैठे हैं इसलिए तुम यहां बैठे हो। विद्यार्थी परिषद में संगठन शास्त्र को ऐसे हमको सिखाया, सामूहिकता को, टीम वर्क को। तो इसलिए किसी का नाम इस पुस्तक में नहीं है, नहीं है, जो है ना उस पुस्तक में हम सबका नाम है। जो मशाल है ना उसमें पिछले सब पीढ़ी के, आने वाले सब पीढ़ी के नाम है। क्योंकि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इस मिट्टी से ऐसे बने हैं, मुंबई में बहुत पहले एक वहां के स्थानीय सम्मेलन था, उसके लिए एक स्मारिका छप रहे थे, उस स्मारिका को आखिरी दिन, जैसे अभी प्रभा जी के देखिए, कल तक ये पुस्तक के सब गिले गिले हैं अभी भी, क्योंकि वो सूखने में समय नहीं रहा, अभी परसों तक हम दे ही रहे हैं उनको लिखकर, तो कैसे वो छापेंगे, हमेशा हमारा काम वैसे ही होता रहता है। तो ऐसे आखिरी दिन हो गया, रात भर वो प्रिंटिंग करते थे उन दिनों में ड्रिल मशीन में, तो कवर पे छप रहा था, उस पर कुछ चित्र थे, तो रात को छप रहा था, वो कार्यकर्ता बैठा था, क्योंकि उसकी जिम्मेवारी थी दूसरे दिन उसका विमोचन करवाना है मंच से कम 5 प्रति तो छाप, हमारे विनोद जी यहां है, उन्होंने तो, विनोद तावड़े जी, वो एक बार छपा नहीं है तो केवल कवर पेज और किसी पुस्तक पर छाप कर उसके, उसके बाद वो पुस्तक मंच से गायब, क्योंकि किसी को देंगे नहीं। मुझे याद है ठाणे में एक्टर श्रीराम लागू, वो आए थे कार्यक्रम में, ठीक है, तो हमारे काम ऐसे चलता है, तो मुझे लगा सुनील जी, अरोड़ा जी इतने आपको हंसाए हैं, मैं नहीं हंसाऊंगा, तो आप उनके भाषण को याद रखेंगे। तो आगे बताता हूं, तो वो पुस्तक स्मारिका छप रही थी मुंबई के गली के एक प्रेस में, कार्यकर्ता वहां बैठा था, काम चल रहा था, वो जो प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाला जो भी मजदूर था प्रिंटिंग कर रहा था, उसने रात को 12 बजे के समय थोड़ा सा उनको उनके सामने दिया, थोड़ा ले लो, क्योंकि उनको काम करना है सुबह तक, ये भी बैठा हुआ है, उनको बता रहा थोड़ा ले लो, उनका क्यों, थोड़ा स्पिरिट रहेगा। कार्यकर्ता ने कहा,
तुम छाप रहे हो ना, वो जो कवर पेज पर चित्र है ना, वो देखने से हमारा स्पिरिट उसमें छापा था भगत सिंह का, सुभाष चंद्र बोस के, विवेकानंद के, इन चित्रों को उस मुखपृष्ठ पर छाप रहे थे। कार्यकर्ता ने कहा, उनको देखने से हमको और कोई स्पिरिट की जरूरत नहीं है। परिषद के कार्यकर्ता ऐसे मिट्टी से तैयार हुए, इसलिए इतिहास बनाया। लेकिन यह घटना इसमें नहीं है। लेकिन इतिहास बना ऐसे लोगों के कारण। मन से कार्यक्रम होते हैं, अधिवेशन होते हैं, यात्राएं, रैलियां, घेराव, आंदोलन, चुनाव कितने हुए हैं, लेकिन कश्मीर के आंदोलन के लिए भेजने के लिए जो कार्यकर्ता आया था दूसरों को भेजने के लिए, वो रेलवे स्टेशन आया था दूसरों को भेजने के लिए, विदा करने के लिए, सेंड ऑफ के लिए, तो वहां भारत माता के जय, कश्मीर बचाओ ये सब देने के बाद उसके मित्र ने कहा, तुम चलोगे क्या? चलो, वहीं से चल पड़ा। ये घटना इसमें नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों ने विद्यार्थी परिषद को बनाया। मैं इसे कह रहा हूं, ऐसी घटनाएं यहां बैठे हुए विद्यार्थी परिषद के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं के भंडार में कितने होंगे। अद्भुत है। इसलिए यह प्रेरणा चाहिए, यह आत्म प्रशंसा के लिए पुस्तक में नहीं बनाए। इसलिए हजारों लोगों के परिश्रम, हजारों प्रयासों के, हजारों कार्यक्रमों के आयोजन से एक इतिहास बनता है। सभी के नाम दर्ज होना संभव नहीं है। विद्यार्थी परिषद के योगदान क्या है? 75वां वर्ष अगले बार आएगा, ये बहुत अच्छी बात है। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के इस वर्ष में विद्यार्थी परिषद जैसे एक राष्ट्रीय छात्र आंदोलन के देह यात्रा के इस कथानक को, कथन को संगठन के अमृत महोत्सव के पूर्व संध्या पर प्रकाशित कर रहे हैं। विद्यार्थी परिषद के योगदान क्या? 35 लाख सदस्यता बनाए, इतने हजारों स्थानों पर हैं, 1500 विस्तारक पूर्णकालिक कार्यकर्ता हो जाएंगे, उपलब्धि है, अचीवमेंट है। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन? कंट्रीब्यूशन यह है, सामाजिक समरसता के लिए कार्य करना चाहिए, यह जीवन के श्रद्धा बनाकर एक मिलिंद कांबले विद्यार्थी परिषद से तैयार होता है, जो दलित चेंबर ऑफ कॉमर्स जैसे एक आइडिया को देकर हिंदुस्तान में दलित समुदाय के, अनुसूचित जाति के लोग केवल नौकरी मांगने वाले ना बने लेकिन उद्योगपति बने, ऐसे सोचकर कार्य कर। ये कॉन्ट्रीब्यूशन है। विद्यार्थी परिषद ने सोचा, केवल मांगों के लिए, विद्यार्थियों के ये नहीं है, वो नहीं है, ये मांगने के लिए नहीं है भैया, वो तो है। लेकिन विद्यार्थी परिषद ने सोचा, विद्यार्थियों को इस देश के साथ जोड़ना है, यहाँ के मिट्टी के साथ जोड़ने हैं, यहाँ के संस्कृति के प्रवाह के साथ उनको जोड़ना चाहिए, यहाँ के इतिहास के स्मरण के साथ उनको जोड़ना चाहिए, यहाँ के भविष्य के स्वप्न के साथ उनको जोड़ना चाहिए। इसलिए विद्यार्थी परिषद ने विचार किया, एक राष्ट्र सर्वोपरि इस विचार को लेकर, नेशन फर्स्ट, इसलिए केवल मांग करना, घेराव करना, आंदोलन करना इतना ही नहीं,
एक रचनात्मक कार्यक्रमों के मालिका थी। नो अदर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड हैज एवर थॉट ऑफ सो मेनी हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स बीइंग कंडक्टेड राउंड द ईयर इन थाउजेंड्स ऑफ प्लेसेस। स्टूडेंट एक्टिविज्म, कई बार स्टूडेंट पॉलिटिक्स कहते हैं, विद्यार्थी राजनीति, छात्र राजनीति थोड़ा उत्तर भारत में ज्यादा कहते हैं, तो हमने कहा ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं है, दिस इज स्टूडेंट एक्टिविज्म, छात्र गतिशीलता है। इस छात्रों के एक्टिविज्म में आंदोलन एक पक्ष में है, आंदोलन एक पक्ष में है, लेकिन उससे भी बढ़कर, उससे भी महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए हम क्या कर सकते हैं। एवरी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बाय नेचर, बाय डेफिनेशन, इट विल बी एन एंटी एस्टेब्लिशमेंट मूवमेंट, नो डाउट अबाउट इट। स्थापित सत्ता के विरुद्ध आवाज उठाने का कार्य हर पीढ़ी को, हर युवा को करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन वह देश तोड़ने के टुकड़े टुकड़े करने वाले की नहीं ना, समाज के विरुद्ध द्वेष फैलाने के लिए तो नहीं, संस्कृति के बारे में घृणा से बात करने के लिए तो नहीं, समाज में व्यवस्था लाने के दृष्टि से चलकर अव्यवस्था को पैदा करने के लिए है क्या, क्रांति के नाम पर देश के अंदर खून खराबा करने के लिए है क्या, अपने ही लोगों को बंदूक से मारकर क्रांति लाएंगे। देश के विश्वविद्यालय के परिसरों से बंदूक से क्रांति लाने वालों के आवाज को बंद करने के लिए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने अपनी आत्माहुति दी। केरल में, आंध्र में, तेलंगाना में परिवर्तन हम चाहते हैं। हर छात्र समुदाय, हर युवा समुदाय, हर युवा पीढ़ी बदलाव चाहती है, लेकिन वो बदलाव के स्वरूप क्या है, उसका मार्ग क्या है। इसलिए रचनात्मक दृष्टि से रचनात्मक कार्य करते हुए समाज के अन्याय के, समाज में समस्याओं के, समाज के प्रश्नों के बारे में संवेदना को जागृत करते हुए मेरे कर्तव्य क्या है और दूसरों को जो वहां सत्ता पर बैठे हुए वो क्या करना चाहिए, ऐसे उनको सुझाव देने का कार्य भी हम करेंगे, हम अपने भी योगदान करेंगे। ऐसे एक छात्र आंदोलन को खड़ा करने का कार्य विद्यार्थी परिषद ने पिछले 75 वर्षों में किया है। विद्यार्थी परिषद का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है to develop a robust philosophy of a student organization, छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति के रूप में सोचना। आज का छात्र आज का नागरिक है, इस प्रकार के विचार को कहने का हिम्मत विद्यार्थी परिषद ने दिखाई, क्योंकि छात्रों की भूमिका छात्र के नाते भी है, नागरिक के नाते भी है। विद्यार्थी परिषद ने 1970 में मांग रखी 18 वर्ष में मताधिकार होने चाहिए, इन 1970, तो बाद में 1985 में इंटरनेशनल यूथ ईयर में भारत में 18 वर्ष के लिए वोटिंग राइट मिला। विद्यार्थी परिषद ने विचार किया था 1981 में लोक अभियान किया है, हम महेश जी बैठे हैं उस जनवरी 26 के एक सप्ताह, उस लोक अभियान में धारा 370 को हटाने की मांग हमने रखी। तो कश्मीर के आंदोलन, असम में घुसपैठियों के विरोध के आंदोलन, जयप्रकाश आंदोलन, सुशील जी, बिंदाचार्य जी सब यहां बैठे हैं, कितने लोग यहां उपस्थित रहे लोग, उन आंदोलनों में सक्रिय रूप से हम सब सहभागी हुए। देश में परिवर्तन लाने का इस प्रकार के आंदोलन में विद्यार्थी परिषद के उस समय के पीढ़ी के कार्यकर्ताओं ने अपने समय को, बुद्धि को, प्रतिभा को, तन मन को लगाकर
उस आंदोलन के सिपाही बनकर उसको मजबूत किया, देश के अंदर एक परिवर्तन लाने के, शंखनाद करने के, ऐसे हर आंदोलन के आगे बढ़ाने का एक अद्भुत ऐतिहासिक कार्य उन्होंने किया। इसलिए मित्रों, आप सभी यहाँ हैं, सभी पुरानी कहानी को पुनस्मरण करने के लिए मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन विद्यार्थी परिषद के योगदान के संदर्भ में निधि ने बताया, शिक्षा नीति के संदर्भ में, अन्य अन्य बातों के बारे में इतना ही कहूँगा कि कैसे एक एक विषय के बारे में दूसरों ने क्या सोचा। केरल के मुख्यमंत्री रहे, भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन के बहुत बड़े नेता रहे, EMS नंबूद्रीपाद, शंकरन नंबूद्रीपाद, उन्होंने उनके जीवन के संध्या काल में केरल के एक वहां के छात्र संगठन SFI के स्मारिका के लिए उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। उसमें नंबूद्रीपाद जी ने कहा दो बातें, उन्होंने कही दो बातें, एक, हमने विद्यार्थी संगठन को राजनीति के पिछलग्गू बनाने का, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को एक पॉलिटिकल नेचर से ने का पॉलिटिकल पार्टी के स्टूडेंट विंग बनाने का यह जो कार्य किया ये गलत था। कैंपस में विद्यार्थियों को राजनीति के पार्टी के नाथ जोड़ना ये ठीक नहीं था, यह नंबूद्रीपाद जी ने अपने इंटरव्यू में बताया। विद्यार्थी परिषद ने दशकों पूर्व इस विचार को आग्रह पूर्वक रखते आया। दूसरी बात उन्होंने कही, विद्यार्थियों के कार्य देश के निर्माण में कंट्रीब्यूटरी भी होना चाहिए, केवल डिमांड करने वाले लोग नहीं होने चाहिए। नंबूद्रीपाद जी जैसे एक अनुभवी राजनेता विचार यात्रा के पुरोधा, उन्होंने अपने जीवन के संध्या काल में जो सत्य उनको दिखा, वह विद्यार्थी परिषद ने प्रथम दिन से ही उसका पालन किया है। मराठवाड़ा में विश्वविद्यालय का नामांतरण के प्रश्न आया, हम यहां आज पूज्य भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर जी के नाम के इस हाल में बैठे हैं, इस भवन में बैठे हैं। मराठवाड़ा के विश्वविद्यालय के नामांतरण का प्रकरण था, यहां बैठे हुए बहुत लोगों को याद होगा, उसको डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के नाम रखने के 1978 में विधानसभा में निर्णय होने के पश्चात भी समाज के कई शक्तियों के कारण वह कार्य हो नहीं पा रहा था। उस समय इसको होना चाहिए तो डिमांड हुई, लेकिन जैसे आंदोलन होगा खून खराबा हो जाएगा, मारपीट हो जाएगी, एक दूसरे के सिर फोड़ेगी, ऐसे एक उद्विग्न स्थिति थी। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ने, संघ विचार परिवार के अन्य संगठनों ने इस विषय को लिया। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ने परिसरों में, विश्वविद्यालय कॉलेज परिसरों में इस विषय को आगे बढ़ाया। संवाद पथक, घर घर में जाकर लोगों को समझाने का कार्य किया, एक एक घर में गए, सैकड़ों हजारों घरों में गए, केवल सभा में प्रस्ताव पारित करके बड़ी रैली निकालकर होना चाहिए ऐसे कहने के लिए नहीं गए, संवाद किए, यह आवश्यक क्यों है ये बताया लोगों को मन मन आया। विदाउट ब्लडशेड मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी नेम वॉज रीनेम्ड एज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। उस समय जो कृति समिति बनी थी, एक्शन कमिटी, जिसमें अनुसूचित जाति के बहुत सारे लोगों ने बनाया, उन्होंने एक मत से विद्यार्थी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष सरजय राव टोम्बरे जी को उस कमिटी में प्रमुख के नाते लिया। बाद में शरद पवार जी और रामदास अठवले जी अपने इंटरव्यू में बताया,
विद्यार्थी परिषद और संघ विचार परिवार के का लोगों के प्रयत्न के कारण यह कार्य अत्यंत ठीक से हो गया। कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है एक छात्र संगठन के, समाज परिवर्तन के कार्य करने के जो कार्य है। यहां तारा निकम आ जाए हैं अरुणाचल प्रदेश के, पद्मनाभ जी यहां बैठे हैं, एक सील प्रोग्राम शुरू हुआ, स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस इन इंटर स्टेट लिविंग, मन को जोड़ने का, परिवार को जोड़ने का, देश को जोड़ने का, राज्यों को जोड़ने का, भाषाओं को जोड़ने का, भावनाओं को जोड़ने का, स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस इन इंटर स्टेट लिविंग। दैट एक्सपीरियंस वॉज नॉट ए शॉर्ट लिव्ड ओनली 30 डेज प्रोग्राम, इट बिकेम ए लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस। कैसे हुआ? यह विद्यार्थी परिषद की कंट्रीब्यूशन है। तो इसलिए विद्यार्थी परिषद ने जिन विचारों को लेकर, शिक्षा परिवर्तन के हो, समाज परिवर्तन के हो, समरसता के हो, देश की सुरक्षा एकता के हो, या किसी प्रकार के समाज के प्रश्नों को हो, इन सारे विषयों को लेकर जो विद्यार्थी परिषद ने एक छात्र आंदोलन के नाते कार्य किया, स्टूडेंट इज द एजेंट ऑफ चेंज, समाज के परिवर्तन के एक वाहक के नाते, एक सोशल डिटरेंट के नाते, विद्यार्थियों को देखने का यह एक नया, ऐसे देखने की नई दृष्टि, यह एक वैचारिक अधिष्ठान के नाते स्वतंत्रोत्तर भारत के छात्र आंदोलन में एक स्वर्णिम अध्याय लिखने का कार्य विद्यार्थी परिषद ने किया। इस कार्य में देश के विद्यार्थी तो भाग लिए, लेकिन अपने कैंपसों में रहने वाले विदेशी छात्र बड़ी संख्या में रहते हैं, उनको देखने के बाद लगा एक अंतर्राष्ट्रीय मंच भी प्रारंभ होना चाहिए। इसलिए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड यूथ 1985 में इसी दिल्ली के राजघाट में माननीय अटल जी के हस्ते, माननीय अटल जी की उपस्थिति में उनके द्वारा उस नया संगठन का प्रारंभ हुआ। उनका आशीर्वाद मिला, उनका समर्थन मिला, उनके मार्गदर्शन मिला, एक बार नहीं तीन तीन बार उसी के कार्यक्रम में अटल जी आए, क्योंकि उनकी एक इच्छा थी ऐसे एक भारत से होना चाहिए। तो इसलिए वह कार्य भी आज जो चल रहा है, अन्य देशों में यहां पढ़कर जाने वाले विद्यार्थी इस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड यूथ के प्लेटफॉर्म से भी इन बातों को सीख कर जाते हैं, अपने देश के राष्ट्रीय विकास में, पुनर्निर्माण में मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, यह विचार यहां से वो सीख के जाते हैं। दे रिटर्न नॉट ओनली विद देयर यूनिवर्सिटी डिग्रीज बट ऑल्सो ए सर्टन लेसन्स फॉर लाइफ फ्रॉम ओसी विच इज द प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय एबी। तो ज्यादा और कहूंगा नहीं, विद्यार्थी परिषद के योगदान के संदर्भ में एक बार ऐसे ही संघ के एक अखिल भारतीय बैठक नागपुर में चल रही थी, अपने विविध क्षेत्र के संगठनों के थोड़ा इतिहास बताकर आप अपने अपने संगठन के निश्चित कुछ अचीवमेंट योगदान क्या है ये भी बताना चाहिए। ऐसे उस समय के सरकारी वाहजी माननीय शेषाद्री जी ने मंच से बोला, पुदीने सरसंघ के चालक जी के नाते रज्जू भैया जी थे। तो एक एक संगठन अपने शुरू किया, विश्व हिंदू परिषद से गिरिराज किशोर जी ने विश्व हिंदू परिषद के कुछ विषय बताए, उनके बाद मुरलीधर राव उस समय स्वदेशी जागरण मंच के कार्य देखते थे, उन्होंने स्वदेश जागरण मंच के विषय को बताया।
उस समय गोविंद जी के उस समय के राजनीतिक आश्रम में थे, तो इसलिए उनके पास भाजपा के संगठन मंत्री का काम था, इसलिए उन्होंने भाजपा के संदर्भ में कुछ विषय उन्होंने रखा। तो उसके बाद मेरा टर्न आया, मुझे विद्यार्थी परिषद के बारे में कहना था, तो मैंने कहा विद्यार्थी परिषद हर एक संगठन के योगदान क्या है, आपने पूछा है, मेरे पहले बोलने वाले ये तीनों से जो थे वो सब विद्यार्थी परिषद के प्रोडक्ट थे। तो जैसे मैंने कहा, माने शेषाद्रि जी ने कहा, मैं भी कर्नाटक में विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री था, तो रज्जू भाई ने कहा मैंने भी काम किया है। जीवन के हर क्षेत्र में कार्यकर्ता देने का एक कार्य करेगा, यह प्राध्यापक यशवंतराव केलकर जी ने विद्यार्थी परिषद के बारे में समाज के लिए, समाज के सम्मुख दो आश्वासन दिए। आश्वासन क्रमांक एक, विद्यार्थी परिषद अपने जीवन व्रत का पालन करते हुए समाज के हर क्षेत्र के लिए, राष्ट्र जीवन के हर आयाम के लिए योग्य कार्यकर्ता देने का कार्य करने के लिए आगे बढ़ेगा। आश्वासन क्रमांक दो, विद्यार्थी परिषद में कार्य किए हुए कार्यकर्ता अपने जीवन में कथनी और करनी में अंतर को कम करते 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 जाएगा। ये दो आश्वासन यशवंतराव केलकर जी ने समाज के सम्मुख रखा, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एबीपी वर्कर्स। ध्येय यात्रा यह जो विद्यार्थी परिषद के जीवन गाथा है, यह अभी तक जो कार्य करके विद्यार्थी परिषद से प्रेरणा लेकर अपने अपने जीवन में अन्य अन्य प्रकार के कार्य व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय तौर पर कर रहे हैं, उनको सोचने का विषय है। मैंने विद्यार्थी परिषद के जीवन में जो सीखा, जो पाया, जो प्रेरणा ली, वह आज भी मेरे जीवन में उतने ही मजबूती से वैसे ही कार्य कर रहा है। ये हमारे आत्मावलोकन का विषय है, ध्येय यात्रा इसके लिए है। आने वाले कार्यकर्ताओं के लिए, पुराने कार्यकर्ताओं ने इतने सब किया है, तो इसलिए हमको उनके कंधों पर बैठकर और दूर देखना है, तो उस कंधे को, मजबूत कंधे पर वो खड़े रहे, इसलिए देह यात्रा की पुस्तक है, ताकि वो जो छोटा बच्चा अपने कंधे पर बैठता है वो इससे ज्यादा दूर देखता है, वो देखने के लिए उनको सुविधा हो, इसलिए अगली पीढ़ी के लिए देह यात्रा है। बंधुओं, दुनिया में छात्र आंदोलन ने अद्भुत योगदान दिया है, कई देशों के स्वतंत्रता के आंदोलन में, सामाजिक परिवर्तन में, राजनीतिक परिवर्तन में, इश्यूज के आधार पर है, एनवायरमेंट, सोशल इक्वालिटी, हार्मनी, ह्यूमन राइट्स, डिसआर्ममेंट, कई प्रकार के। आज विश्वविद्यालय परिसरों में देश के तोड़ने वाली शक्तियों की आवाज, नारे कभी कभी उठते हैं, समाज के संस्कृति को, प्रवाह को घृणा से देखकर इस देश के आत्मविश्वास को तोड़ने का कार्य करने वाली शक्तियां भी जागृत रहती हैं। इस सब के बीच, इस राष्ट्रीयता के मशाल को लेकर आगे बढ़ने वाले नौजवानों की पीढ़ियां विश्वविद्यालय परिसरों में एक विजयी उत्साह से आगे बढ़े, भारत दुनिया को, विश्व को, मानवता को देने का जो बहुत बड़ा उसकी नीति है, उसका कार्य है, उसका लक्ष्य है, उसको समर्थ बनाने के लिए विश्वविद्यालय परिसरों में निकलने वाले विद्यार्थियों की तादाद व समूह
इस राष्ट्रीयता से ओतप्रोत होकर अपने जीवन में परिश्रम से, प्रतिभा से, संवेदना से, लगन से, प्रतिबद्धता से इस कार्य को आगे बढ़ाएं। विश्व के इतिहास में भारतीय छात्र आंदोलन ऐसे एक स्वर्णिम अध्याय को जोड़ दिया, ऐसे एक ऐतिहासिक कार्य करने में सफल हो, इसी शुभकामनाओं के साथ आप सबको शुभ से प्रणाम देकर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।